हेलो एवरीवन, मैं आशीष स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल AS मैथमेकर्स इंडिया पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, एक्चुअली टॉपिक आपका फर्स्ट यूनिट का फोर्थ टॉपिक थर्ड टॉपिक हो सकता है, कंटिन्यूटी एंड लिमिट, है ना, या लिमिट एंड कंटिन्यूटी। तो उसमें से सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट जो है उसको पढ़ेंगे इसमें, तो उसका थोड़ा थियोरेटिकल बैकग्राउंड देखेंगे, उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो आपका जो है लिमिट के ऊपर होने वाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। तो यहाँ पे ये सबसे पहले बात करेंगे एक्चुअली लिमिट होता क्या है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट या बेसिक डेफिनेशन जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। कि ये डेफिनेशन लिखा है लिमिट का, कि द लिमिट ऑफ ए फंक्शन इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एज इनपुट ऑफ द फंक्शन गेट्स क्लोजर और अप्रोचेस सम नंबर। इसका मतलब ये होता है, इसको दैट इज करके यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर मान लीजिए हम लिमिट निकालते हैं यहाँ पे किसी फंक्शन का, कि लिमिट x टेंड्स टू a, है ना, तो कोई पॉइंट जो है हम यहाँ पे a ले रहे हैं, है ना, तो लिमिट अगर x टेंड्स टू a के लिए निकालते हैं फंक्शन fx का, जो कि किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू की तरफ जो है अप्रोच करता है ना, या जो है कन्वर्स करता है, या क्लोजर वैल्यू देता है, वो आपका इस तरीके से डिफाइन होता है, लिमिट x टेंड्स टू a fx इज इक्वल टू l। यहाँ पे लिख रहे हैं लिमिट्स आर यूज टू डिफाइन, ये कहाँ का एक्चुअली डिफाइन होता है, कंटिन्यूटी, इंटीग्रल्स एंड डिफरेंशिएशन, यहाँ पे इसको यूज करते हैं। द लिमिट ऑफ ए फंक्शन इज ऑलवेज कंसर्न विद बिहेवियर ऑफ फंक्शन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। तो एक्चुअली लिमिट ऑफ फंक्शन क्या शो करता है, ये बिहेवियर ऑफ फंक्शन यानी फंक्शन का बिहेवियर को शो करता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट में, है ना। चलिए इसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे इसमें, पहले थोड़ा थियोरेटिकली बैकग्राउंड देखेंगे इसका, इसके बाद हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट की, प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट लिखा हुआ है, प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट। तो इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है जो कि यहाँ पे यूज करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे सी कोई कांस्टेंट फंक्शन है, सी कोई जो है कांस्टेंट फंक्शन है, तो यहाँ पे पहला प्रॉपर्टी जो है कि लिमिट x टेंड्स टू a, है ना, लिमिट x टेंड्स टू a सी यानी कांस्टेंट फंक्शन अगर गिवन है उस पर जो है आपको लिमिटिंग वैल्यू जो दी हुई है x टेंड्स टू a की तरफ दी है, तो ये एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट फंक्शन को अपन जो है लिमिट को अप्लाई नहीं कर पाते, है ना, सिंपली अपन इसको एज इट इज लिखेंगे। और दूसरा लिखा हुआ है यहाँ पे कि लिमिट x टेंड्स टू a अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन का फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है लाइक दिस fx, तो आपको क्या करना है, कांस्टेंट फंक्शन बाहर लिखना है, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a fx, राइट। तो जब भी कोई फंक्शन दिया हुआ है उसमें कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो कांस्टेंट बाहर हो जाता है और फंक्शन पे जो है लिमिट अप्लाई हो जाती है ना। तीसरा प्रॉपर्टी क्या होता है इसका, कि लिमिट x टेंड्स टू a, और यहाँ पे भी दो फंक्शन है, एक fx है और दूसरा gx है, इसको बोलते हैं एडिशन ऑफ फंक्शंस, है ना। तो जब लिमिट का यूज कर रहे हैं अपन और दो फंक्शन का एड ऑन हो रहा है, तो अपन को क्या करना है, लिमिट अलग अलग करना होता है, लिमिट x टेंड्स टू a fx प्लस लिमिट x टेंड्स टू a gx, क्लियर है। ऐसे ही अपना चौथा प्रॉपर्टी होता है वो सब्ट्रैक्शन के लिए होता है, लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस gx, जो कि यहां से आएगा, अलग अलग करना है यहां से भी आपको, तो ये आएगा लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस लिमिट सॉरी x टेंड्स टू a gx, ये थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिएगा, ये लिमिट x टेंड्स टू a लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना, इसको लिख लीजिएगा लिमिट x टेंड्स टू a, है ना। तो कुछ नहीं करना, आप देख सकते हैं एक पहला वाला एडिशन के लिए है, ये दूसरा वाला जो है सब्ट्रैक्शन के लिए, बस लिमिट अलग अलग करना होता है। आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी तरफ बढ़ते हैं, अगला प्रॉपर्टी इसको नंबर हम दे रहे हैं 5, तो वो अपन ले रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू a fx इंटू gx, है ना। तो अगर मान लीजिए प्रोडक्ट में अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में आ रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आ रहे हैं, तो उस पर लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं, तो यहाँ भी जो है लिमिट आपका सेपरेट हो जाता है, लिमिट x टेंड्स टू a fx इंटू लिमिट x टेंड्स टू a gx। अगला 6th प्रॉपर्टी तरफ बात करेंगे यहाँ पे, तो 6th प्रॉपर्टी जो होता है वो डिवीजन के लिए है, लिमिट x टेंड्स टू a fx अपॉन gx इज इक्वल टू, ये भी लिमिट आपका जो है सेपरेट हो जाएगा, न्यूमरेटर में अलग चला जाएगा और डिनोमिनेटर में अलग हो जाएगा, तो लिमिट x टेंड्स टू fx अपॉन लिमिट x टेंड्स टू a gx, तो इस तरीके से जो है सेपरेट कर देते हैं। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की बात जरूरत है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, लिमिट x टेंड्स टू a
जी एक्स जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए, इसका मतलब है जीरो नहीं होना चाहिए, अगर जीरो हो गया तो पूरा का पूरा जो है अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है। सेवेंथ प्रॉपर्टी की यहाँ पे बात करेंगे कि लिमिट जो होता है एफ एक्स इक्वल टू एल, ये एक यूनिक नंबर होता है ना, दिस इज ए यूनिक नंबर। अगर किसी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है तो वो एक यूनिक मिलेगा आपको, है ना। अगर लिमिट एग्जिस्ट करता है तो वो कैसी होगी, यूनिक। यूनिक मतलब एक सिंगल एलिमेंट मिलेगा। ऐसे ही लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, लिमिट अगला प्रॉपर्टी है लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स फुल पावर एन, अगर ऐसा दिया हुआ है तो आपको क्या करना होता है, लिमिट को अंदर एग्जिस्ट कराना होता है, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स होल पावर एन। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसका हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आप यूज करेंगे लिमिट में, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है, इसी के आधार पर अपन जो क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे एक बात और याद रखना, जो आपका एन है वो कोई पॉजिटिव इंटीजर है ना, पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर तो आपको पता ही है जो होता है जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू, है ना, एंड प्लस माइनस इनफाइनाइट, है ना। तो इसमें से सिर्फ बात कर रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर, सिंपली क्या, नेचुरल नंबर। तो ये प्रॉपर्टीज थी, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी कहीं कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ले सकते हैं। अब आगे चलिए और आगे बढ़ते हैं इस तरफ। अगला एक कॉन्सेप्ट है, एक वर्ड यूज होता है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। इसका क्या यूज एक्चुअली, कैसे यूज करते हैं, मान लीजिए कोई एक पॉइंट है यहाँ पे ए, है ना, एक्स इक्वल टू ए कोई एक पॉइंट है यहाँ पे, तो अगर लिमिट आपका लेफ्ट साइड से जो है कन्वर्स कर रहा है, लेफ्ट साइड से जो है अप्रोच करा रहे हो आप लिमिट को, तो उसको अपन बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना। और अगर लिमिट को राइट साइड से अप्रोच करा रहे हो उसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। इसको डिनोट करने का तरीका होता है, जैसे लेफ्ट लेफ्ट हैंड लिमिट को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है वो होता है लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, नेगेटिव सिंबल लगा देते हैं ऊपर इस पे, एफ एक्स इज इक्वल टू एल वन, है ना। ऐसे अगर आपको राइट हैंड लिमिट लिखना है, राइट हैंड लिमिट, तो होता है लिमिट एक्सटेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू एल टू। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जब भी लिमिट आपका लेफ्ट साइड से कन्वर्स करता है, अप्रोच कराते हैं, तो उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, और जब लिमिट को किसी पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ राइट साइड से अप्रोच कराते हैं तो उसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, है ना। अब कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को यहाँ पे जो अपन सॉल्व करने वाले हैं, है ना, उसमें कुछ तो आपके होंगे, जब भी क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे डायरेक्ट लिमिट पुट करके भी सॉल्यूशन निकलेंगे, कुछ थोड़ा अलग होंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि इवेल्यूएट द लिमिट लिमिट x टेंड्स टू टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, इसका जो है आपको लिमिट फाइंड करना है ना। तो क्वेश्चन दिया है इवेल्यूएट द लिमिट, ये क्वेश्चन दिया है लिमिट x टेंड्स टू टू एक्स स्क्वायर प्लस टू। जब इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा तो उसको कैसे सॉल्व करना है, आपको सिंपली लिखना है लिमिट x टेंड्स टू टू एक्स स्क्वायर प्लस टू। तो यहाँ पे जहाँ x दिख रहा है ना उसके स्थान पर क्या पुट करना है आपको, टू पुट करना है, तो हो जाएगा टू स्क्वायर प्लस टू। टू का स्क्वायर कितना होता है अभी, फोर प्लस टू कितना आ जाएगा, सिक्स आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से जो आप डायरेक्ट को लिमिट को जो है डायरेक्टली पुट कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चंस में, है ना। और भी कुछ क्वेश्चन देखिए जिसमें डायरेक्ट अपन लिमिट को यूज करते हैं, कि इवेल्यूएट, क्वेश्चन दिया है इवेल्यूएट लिमिट एक्स टेंड्स टू वन, और यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। तो आपको जो है इसमें लिमिट डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। तो कैसे पुट करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको, क्वेश्चन दिया हुआ है लिमिट एक्सटेंड्स टू वन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। इसका मतलब है आपको जो फंक्शन दिया गया, ये आपका पूरा का पूरा पार्ट एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करता है, ये फंक्शन एफ एक्स है ना। तो आपको इसमें एक्स के स्थान पर वन पुट करना है, तो आ जाएगा वन स्क्वायर माइनस थ्री इंटू वन प्लस टू। इसको सॉल्व कीजिएगा तो वन माइनस थ्री प्लस टू, टू प्लस वन कितना होता है थ्री, माइनस थ्री, थ्री माइनस थ्री कितना मिल जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो इसमें जो है लिमिट आपका कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो इस तरीके से अपन डायरेक्ट सब्सटीट्यूट करते हैं लिमिट को, ये होता है लिमिट बाय डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन, है ना। अगला एक क्वेश्चन और करेंगे यहाँ से,
तो अगला क्वेश्चन है फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 3 x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x प्लस 2। इसकी जो है लिमिट फाइंड करना है, तो वही तरीका है। यहाँ पे आप डायरेक्टली लिमिट को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, x के स्थान पर जो है 3 फुट करना है इस फंक्शन में, है ना। तो जैसे ही आप रखोगे तो आएगा 3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 2। इसको जब आप सॉल्व करेंगे 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 1 और 3 प्लस 2 आपका आ जाएगा 5। 9 माइनस 1 कितना होता है आपका 8, तो आ जाएगा 8 अपॉन 5। तो इस तरीके से जो है अपन डायरेक्ट लिमिट को पुट कर पा रहे हैं, है ना। आगे कुछ और क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे जिसमें जो है अपन लिमिट को डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं वो आगे देखते हैं क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन थोड़ा सी टाइप का और डिस्कस करते हैं, उसके बाद अपन बात करेंगे अनदर मेथडोलॉजी की, जिसमें लिमिट जो है अपन डायरेक्ट सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते, है ना। तो पहले अपन एक क्वेश्चन इसी का कर लेते हैं जिसमें अपन लिमिट को जो है डायरेक्ट सब्सटीट्यूट करेंगे। तो क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 3 अंडर रूट x प्लस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 2 अपॉन x प्लस 1, है ना। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आपको, तो सबसे पहला तरीका तो यही होता है आपको लिमिट जो है डायरेक्ट सब्सटीट्यूट करना है। तो जहाँ पे x दिख रहा है वहाँ पर आपको क्या पुट करना है, 3 पुट करना है। तो जैसे ही आप इसको रखोगे x के स्थान पर 3, तो आ जाएगा 3 प्लस 1 प्लस ये सॉरी x स्क्वायर माइनस 1 है यहाँ पे, है ना, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो आ जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन नीचे आ जाएगा 3 प्लस 1, है ना। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका यहाँ से आएगा 3 प्लस 1 आपका आ जाएगा अंडर रूट 4 और यहाँ पे आएगा अंडर रूट ऑफ 9 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1 होता है 4। इसको सॉल्व करें तो अंडर रूट 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 8 अपॉन 4। तो ये आपका जो है फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आगे अब हम कुछ क्वेश्चन जो करेंगे वो जिसमें अपन लिमिट जो है डायरेक्टली जो हम अभी तक करते आए हैं ना कि लिमिट को जो है डायरेक्ट सब्सटीट्यूट कर दिया आपने सॉल्यूशन निकाल लिया, ऐसे आगे आने वाले क्वेश्चंस में अपन नहीं कर पाएंगे। देखते हैं क्यों नहीं कर पाएंगे, है ना। तो सबसे पहले हम कुछ पार्ट्स को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है यहाँ पे इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। एक्चुअली ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म क्या होते हैं, देखिए इसको इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स, ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म क्या होते हैं इसको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो मान लीजिए अगर कोई फंक्शन है जिस पर लिमिट x टेंड्स टू a अप्लाई हो रहा है ना, और उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करने के बाद, मतलब अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है उसमें x के स्थान पर अगर अपन a पुट कर रहे हैं या कोई भी कांस्टेंट वैल्यू पुट कर रहे हैं, अगर उसका वैल्यू जो है 0.0 के फॉर्म में मिल रहा है अपन को, या फिर इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट के फॉर्म में मिल रहा है, या 0:0 के फॉर्म में मिल रहा है, ये तो आप नहीं लिखिएगा, ये कोई मतलब नहीं है इसका। या तो 0/0 के फॉर्म में मिल रहा है, या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट के फॉर्म में मिल रहा है, या जो है 0 की पावर इनफाइनाइट के फॉर्म में मिल रहा है, या इनफाइनाइट की पावर इनफाइनाइट के फॉर्म में मिल रहा है, ऐसा कुछ आपको अगर मिल रहा है डायरेक्ट लिमिट पुट करने के बाद, तो इसका मतलब होता है ये सारे के सारे जो फॉर्म आपको मिल रहे हैं इन्हीं को अपन बोलते हैं इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। और जब भी किसी फंक्शन में डायरेक्ट लिमिट रखने के बाद अगर आपका ये फॉर्म बनता है तो आप उस फंक्शन में डायरेक्टली लिमिट पुट नहीं कर सकते हैं। अब डायरेक्ट अगर लिमिट पुट नहीं करेंगे तो सॉल्व करने के तरीके क्या हो सकते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो जब भी अपन किसी फंक्शन में डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं और उसका फॉर्म जो है 0/0 या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट या इनफाइनाइट की पावर इनफाइनाइट 0 की पावर इनफाइनाइट, ये सारे अगर फॉर्म मिलते हैं तो उसको अपन बोलते हैं इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया था इस केस में जो है लिमिट अपन डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं कर सकते। तो उस केस में सॉल्व करने के अपने पास दो तरीके होते हैं। पहला होता है फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा होता है लॉपिटल, यानी एल हॉस्पिटल जिसको बोलते हैं, एल हॉस्पिटल रूल, ये एल हॉस्पिटल मेथड है ना। इन दो तरीके से जो है अपन लिमिट के क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते हैं। तो ये फैक्टराइजेशन मेथड एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, आइए कुछ क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझेंगे यहाँ पे।
तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, इवेल्यूएट करना है इसको कि लिमिट x टेंड्स टू जीरो अंडर रूट ऑफ x प्लस वन माइनस वन अपॉन x। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, सबसे पहले आपको क्या करना है, लिमिट को डायरेक्टली पुट करना है और चेक करना है क्या ये इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो आपको करना क्या है, जो फंक्शन गिवन है यहाँ पे, इस फंक्शन में x के स्थान पे जीरो पुट करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप लिखोगे तो अंडर रूट ऑफ जीरो प्लस वन माइनस वन अपॉन x का वैल्यू कितना है जीरो। तो यहाँ पे आएगा अंडर रूट ऑफ वन, सॉरी इसको थोड़ा करेक्ट करके लिख लीजिएगा, यहाँ पे देखिए जीरो प्लस अंडर रूट वन यानी कि अंडर रूट वन आएगा और अंडर रूट वन का वैल्यू कितना होता है वन माइनस वन अपॉन जीरो, वन माइनस वन क्या आएगा जीरो अपॉन जीरो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जीरो बटे जीरो का फॉर्म बन रहा है जो कि कैसा फॉर्म है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, इसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रहा है तो सीधी बात अपन डायरेक्टली लिमिट नहीं रख सकते। तो इस केस में इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो उसके दो तरीके हैं, चाहे तो आप एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिएगा या इसको फैक्टराइज करके भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना, या इस क्वेश्चन में रैशनलाइज भी कर सकते हैं इसको, है ना। तो मैं रैशनलाइज मेथड के यहाँ पे यूज करता हूँ, आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। तो फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन माइनस वन अपॉन एक्स। तो आपको क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू न्यूमरेटर इसको रैशनलाइज करना है। विद रिस्पेक्ट टू न्यूमरेटर इसको रैशनलाइज करने का मतलब ये होता है, यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन माइनस वन, तो बीच में जो माइनस वन है इसमें प्लस वन का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यानी अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन प्लस वन अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन प्लस वन, इसको बोलते हैं रैशनलाइज विद रिस्पेक्ट टू न्यूमरेटर, ठीक है, यानी कि न्यूमरेटर के रेस्पेक्ट में आपने क्या कर दिया है, इस फंक्शन को रैशनलाइज कर दिया है, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो यहां से आएगा लिमिट x टेंड्स टू जीरो। अब आपको क्या करना है, जब आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ x प्लस वन माइनस वन इंटू अंडर रूट ऑफ x प्लस वन प्लस वन अपॉन, नीचे आएगा x इंटू अंडर रूट ऑफ x प्लस वन प्लस वन, है ना। ये आप देख सकते हैं इसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत तो होगा नहीं, ऊपर नीचे सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई किया हुआ है ना। करते कैसे हैं अपन, रैशनलाइज करा है विद रिस्पेक्ट टू न्यूमरेटर, तो जो बीच में माइनस वन है तो ऊपर प्लस वन से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर यहाँ पे प्लस वन होता, अगर अपन को रैशनलाइज करना होता विद रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर विद रिस्पेक्ट टू न्यूमरेटर, तो अपन माइनस से मल्टीप्लाई कर देते, माइनस वन ऊपर नीचे आ जाता, राइट। तो अब यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज होगा आपका, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका पूरा का पूरा ए है, ये बी है, तो ये हो गया ए माइनस बी, ऐसे ये हो गया ए प्लस बी। तो इसका फॉर्मूला जो आ जाएगा, इसको एज इट इज लिख लो, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, यहाँ पे फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, तो आपके पास ए क्या है अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन, जब इसका स्क्वायर करो तो आपके पास क्या आएगा एक्स प्लस वन, क्योंकि अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन का स्क्वायर क्या होता है एक्स प्लस वन, और माइनस लिखा हुआ है फॉर्मूले में तो ये लिख दीजिएगा माइनस बी स्क्वायर, बी क्या आपके पास वन, वन का स्क्वायर कितना रहता है वन ही रहता है, अपॉन एक्स, यहां से आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन और ये प्लस वन, है ना। इसको जब आप सॉल्व करेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, देखिए एक्स प्लस वन माइनस वन, ये प्लस वन और माइनस वन हट जाएगा, यहां से बचेगा एक्स अपॉन, नीचे बचेगा एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन प्लस वन, तो यहां से x x ऊपर नीचे से कट जाएगा। अब आपको इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करना है x के स्थान पे जीरो पुट करके, तो जैसे ही आप बचे हुए फंक्शन में x के स्थान पे जीरो पुट करेंगे तो x x तो कट ही गया है, अब फंक्शन क्या बचा है वन अपॉन ही समथिंग, तो ये रहेगा वन अपॉन अंडर रूट ऑफ x प्लस जीरो प्लस वन। तो जैसे सॉल्व करोगे वन अपॉन, सॉरी x के स्थान आपने क्या पुट करा है जीरो पुट करा है, तो जीरो प्लस वन वन ही रहेगा, तो अंडर रूट वन का वैल्यू कितना होता है वन, वन प्लस वन कितना आ जाएगा टू, तो आपका लिमिटिंग वैल्यू कितना आ गया वन अपॉन टू। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक बहुत आसान तरीका होता है, तो यहाँ पे हो सकता है आपको क्वेश्चन समझ में आया हो, फिर भी अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसे डिस्कस कर सकते हैं इस क्वेश्चन को लेकर। अगला एक क्वेश्चन और है जिसको यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि फाइंड द लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स अपॉन एक्स माइनस थ्री, इसको जो है आपको सॉल्व करना है। तो देखिए इसको, इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से, है ना।
इसका नाम है फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम एक काम करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व करते हैं, दूसरा आपका एल हॉस्पिटल रूल से भी इसको सॉल्व करके बताएंगे। तो पहला हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपका फंक्शन क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 3, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन x माइनस 3। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है फैक्टराइजेशन मेथड, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे न्यूमरेटर के फैक्टर करने हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसके जब आप फैक्टर करोगे तो यहाँ पे कांस्टेंट एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना है 1 है, और कांस्टेंट कितना है 6, तो 6 इंटू 1 आपका कितना आता है 6। 6 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि जो सिंबल दिख रहा है ना प्लस, 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने के बाद माइनस का 5x आ जाए, राइट। तो कैसे करेंगे इसको देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर, अब आपको 6 के फैक्टर करने हैं कि जोड़ के माइनस 5x आ जाए, तो कब आएगा ये जोड़ के माइनस 5x, 3 टू 6 होता है, तो 3x माइनस 2x प्लस 6, 3 और 2 जोड़ोगे तो माइनस के 5x आपको मिल जाएंगे यहाँ से, और 3 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो यानी माइनस 3 और माइनस 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 6 भी आपको मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसमें से कॉमन लेना है x, इसमें से अलग कॉमन लेना है, तो यहाँ से जब x कॉमन लोगे फर्स्ट पार्ट से, ये वाले पार्ट से x कॉमन लोगे तो बचेगा x माइनस 3, और यहाँ से सेकेंड पार्ट से आपको माइनस 2 कॉमन निकालना है जो कि ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 3। जब भी आप फैक्टर कर रहे हो तो थोड़ा ध्यान ही दीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे x कॉमन लिया है तो ब्रैकेट में x माइनस 3 बचा हुआ है, तो ध्यान ये रहे सेकेंड प्लेस पे भी आपको x माइनस 3 ही बचेगा, ये ध्यान रखना है। थोड़ा ऐसा नहीं यहाँ पे x माइनस 2 बच रहा है, यहाँ पे x माइनस 5 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन में जो है गलती कर रहे हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है, तो थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, जो यहाँ पे बचेगा ब्रैकेट में वही यहाँ आना चाहिए, ठीक है। अब इन दोनों से x माइनस 3 कॉमन ले लीजिएगा, जैसे आप x माइनस 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ से आपका x बचेगा, यहाँ से जो है माइनस 2 बचेगा, तो आपके पास इसका जो है फैक्टर आ चुका है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का, जो कि है x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2। तो इसके स्थान पर जो अपन उसको पुट करेंगे तो आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3, और इसके जो फैक्टर आए हैं वो आए हैं x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन में कितना था x माइनस 3। तो फैक्टर करने से फायदा क्या होता है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा लिमिट x टेंड्स टू 3 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 2। अब आप जो है लिमिट x के स्थान पर डायरेक्टली 3 पुट कर सकते हैं, तो आ जाएगा 3 माइनस 2, x के स्थान पर जैसे आप 3 रखेंगे ना तो आ जाएगा 3 माइनस 2, और 3 में से 2 गया कितना बचेगा 1 बचेगा, तो यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू जो आ गई है वो 1 आ गई है। तो ये तो आसान तरीका था फैक्टराइजेशन मेथड से। अब दूसरा तरीका जो मैं बताने वाला हूँ एल हॉस्पिटल रूल, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, उसका अपन जो है यूज करेंगे इसमें। तो इसी सेम क्वेश्चन को मैं जो है एल हॉस्पिटल रूल या एल हॉस्पिटल रूल से डिस्कस करने वाला हूँ। तो क्वेश्चन यही रहेगा आपका, फाइंड लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 ऊपर जो है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन एक्स माइनस 3। अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं सेकंड मेथड का यूज़ कर रहा हूँ, पहला मैंने आपको इसी क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन मेथड से करा चुका हूँ, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा मैंने कराया हुआ है फैक्टराइजेशन मेथड से। अब इसी क्वेश्चन को मैं करने वाला हूँ एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल इससे इसको कैसे सॉल्व करते हैं ना। तो इसका तरीका होता है कि क्वेश्चन आप ले लीजिएगा सीधा सीधा, लिमिट x टेंड्स टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन एक्स माइनस 3। इसमें अपन क्या करते हैं, इसका एक तरीका बता देता हूँ मैं, जो आपका फंक्शन दिया हुआ है न्यूमरेटर में fx अपॉन gx, इन दोनों का एक बार डेरिवेटिव करते हैं, यानी कि आपको f डैश एक्स फाइंड करना है और नीचे वाले फंक्शन का g डैश एक्स फाइंड करना है, यानी fx का भी फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है और इसका भी सेकेंड फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, जो कि आपके पास आएगा f डैश एक्स अपॉन gx। जैसे ही ये आ जाए उसके बाद आपको लिमिटिंग वैल्यू जो है पुट करना है, और मान लीजिए लिमिटिंग वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ भी आपका फॉर्म वही इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है 0.0 या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, तो आपको फिर से एक बार इसको डिफरेंशिएट करना है, जो कि आपका आएगा एफ डबल डैश एक्स अपॉन जी डबल डैश एक्स। फिर आपको चेक करना है कि आपकी लिमिट अब एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, तो सबसे पहले तो चेक करना है डायरेक्ट लिमिट पुट करके, तो डायरेक्ट लिमिट पुट करोगे इसमें क्या आएगा, 3 पुट करोगे तो 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 5 इंटू 3 तो आएगा 15 प्लस 6 अपॉन
3 माइनस 3। डायरेक्ट लिमिट पुट करने पे क्या आ रहा है आपके पास, 9 और 6 15 माइनस 15 यानी 0, 3 माइनस 3 0। तो डायरेक्ट जब भी ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो ऐसे केस में जो है इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाता है, क्या बन जाता है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है, तो इस इनडिटर्मिनेट फॉर्म के बनने की वजह से अपन लिमिट को जो है डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते हैं। उस केस के लिए हमें फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना पड़ता है या फिर एल हॉस्पिटल रूल यूज करना पड़ता है। तो फैक्टराइजेशन मेथड को तो मैं यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ कैसे फैक्टराइज किया गया है। जैसे मैंने न्यूमरेटर को यहाँ पे फैक्टराइज किया था, उसके बाद एक्स माइनस थ्री कैंसिल हो गया था, डायरेक्ट लिमिट पुट करी तो जो है आपका आंसर आ गया था। इसके बाद मैं इसी क्वेश्चन में जो है एल हॉस्पिटल रूल लगा रहा हूँ। तो इसका तरीका क्या है, सबसे पहले मुझे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करना है, राइट। तो इसको एज इट इज लिख लो, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3। तो जब भी मैं एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो आपके पास आता है 2x, और माइनस 5x का डेरिवेटिव करूंगा तो माइनस 5 आएगा क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूले होते हैं, मैं आपको लिख देता हूँ, d अपॉन dx x टू द पावर n। तो ये फॉर्मूला होता है n x टू द पावर n माइनस 1, जिसका मैंने यहाँ पे यूज किया है। फॉर एग्जाम्पल मैंने d अपॉन dx x स्क्वायर निकाला है जो कि होगा 2x की पावर 2 माइनस 1। इस फॉर्मूले को अगर मैं यूज करता हूँ क्योंकि मैंने n के स्थान पर कितना पुट किया है 2, तो यह आ जाएगा 2, मतलब n लिखा है ना, तो यह आ गया 2x की पावर n माइनस 1, तो 2 माइनस 1 जो कि आएगा 2x की पावर 1, या इसको सिंपली लिख सकते हैं 2x जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ 2x। ऐसे ही लिखा है माइनस 5x, तो जब d अपॉन dx माइनस 5x का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस 5 बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है और माइनस 5 ऑलरेडी बाहर चल रहा है तो ये माइनस 5 आ जाएगा, है ना। तो ये माइनस 5 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन d ओवर dx कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन दिया उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन आया 2x माइनस 5 अपॉन, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू x तो x का होता है 1 और ये आ जाएगा माइनस 3, है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3, है ना, लिमिट x टेंड्स टू 3 2x माइनस 5 अपॉन, ये 3 माइनस का है और 1 प्लस का है तो आपके पास बचेगा भाई माइनस का 2, है ना, क्योंकि माइनस का वैल्यू ज्यादा है 3, तो 3 में से 1 है ना, और 1 प्लस का है आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो माइनस 3 प्लस 1 कितना बचेगा माइनस 2, है ना। अब आपको डायरेक्ट लिमिट पुट करनी, जैसे ही आप x के स्थान पर 3 पुट करेंगे इस फंक्शन में जो कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो क्या आएगा 2 इंटू 3 माइनस 5 अपॉन माइनस 2, 3 दूनी कितना होता है 6 माइनस 5 बटे माइनस 2, 6 में से 5 गया आपका आएगा 1 बटे 2 जो कि आपका आएगा माइनस 1 अपॉन 2। यहाँ पर थोड़ी सी गलती करी है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, मैंने एक वैल्यू बहुत गलत कर दिया, बाई मिस्टेक। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर आपको दिख रहा है x माइनस 3, इसका जब मैंने डिफरेंशिएशन किया है ना तो x का डिफरेंशिएशन आपका 1 हो गया, यहाँ पे माइनस 3 कॉन्स्टेंट है, राइट। जब कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा बाई मिस्टेक हो गया है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा यहाँ से। तो यहाँ पे आपको मैं फिर से बता देता हूँ यहाँ पे क्या गलती हुई थी एक्चुअली, इस वजह से आपका आंसर, क्योंकि ध्यान ही रहे आपने जो है इसी क्वेश्चन को जो है लिमिट निकाला है यहाँ पे 1 आ रहा था, राइट, और बाय यूजिंग अनदर मेथड, मतलब एल हॉस्पिटल यूज करो या एल हॉस्पिटल यूज करो या आप जो है फैक्टराइजेशन मेथड यूज करो, लिमिटिंग वैल्यू जो है यूनिक होती है ना, ऐसा नहीं कि इससे निकालोगे तो लिमिट अलग आएगी, उससे निकालोगे तो लिमिट अलग आएगी, ऐसा नहीं है। मेथडोलॉजी आप कोई भी यूज करो पर आपका लिमिट जो है सेम आएगा, जो कि यहाँ पे गलती हुई थी, वो गलती क्या हुई थी वो देख लीजिएगा। इसको लिमिट एक्सटेंड्स टू 3 एज इट इज रखना है। जब आप न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन किए थे ना एक्स स्क्वायर का, जैसे आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव कितना आया था 2x, मैंने यहाँ सॉल्व भी कर रखा है, तो 2x माइनस 5 अपॉन x का जब डेरिवेटिव करेंगे तो वो आएगा 1 माइनस 3 लिखा है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, ये गलती हुई थी हमने एक्चुअली, यहाँ पर माइनस 3 एज इट इज लिख दिया था जिस वजह से थोड़ा दिक्कत हुआ था। अब आपको क्या करना है, x के स्थान पर 3 डायरेक्टली पुट करना है इस फंक्शन में जो कि आपका है 2 इंटू 3 माइनस 5 अपॉन 1, क्योंकि 1 माइनस 0 1 ही रहेगा। इसको सॉल्व करो, 3 टू 6 माइनस 5 अपॉन 1 यानी कि 1 अपॉन 1, 1 अपॉन 1 मतलब 1। तो आप देख सकते हैं जब आपने लिमिट जो है इसी सेम क्वेश्चन का बाई यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड निकाला था तब भी आपका लिमिटिंग वैल्यू 1 आया था, और बाई यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल इसका यूज करके आपने निकाला सेम क्वेश्चन को तो उसका भी लिमिटिंग वैल्यू कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा दोनों मेथडोलॉजी से, तो कुछ क्वेश्चन को और यहाँ पर ट्राई करते हैं आगे, चलिए देखते हैं इसको। तो अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ से मूव करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, फाइंड
लिमिट एक्स टेंड्स टू वन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस एक्स माइनस वन अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वन, है ना। इसका जो है आपको लिमिट फाइंड करना है, तो चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले तो हम डायरेक्ट लिमिट रख के चेक करें कि ये लिमिट डायरेक्ट एग्जिस्ट कर रही है या फिर जो है इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है ना, तो ये आपको चेक करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो मैं डायरेक्ट अगर लिमिट रखूँ इस पर, मैं आपको यहाँ थोड़ा सा हिंट देख बता देता हूँ कि x के स्थान पर अगर डायरेक्ट मैं 1 पुट करूँ तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस 1 0 होता है, 0 का अंडर रूट 0 ही होता है, राइट। और यहाँ पे x के स्थान पर अगर मैं 1 पुट करूँगा तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो 0 माइनस 0 आपके पास 0 आ जाएगा अपॉन, जब मैं यहाँ पुट करूँगा x के स्थान पर 1 तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, जो कि अंडर रूट लगा तो वो भी आपका 0 रहेगा। तो आप देख सकते हैं अगर डायरेक्टली इस फंक्शन में आप x इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो आपको 0.0 फॉर्म मिलेगा, जो कि आपका होता है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो जब भी आपका इंडिटर्मिनेंट फॉर्म बनता है तो आपके पास दो मेथोडोलॉजीज होती हैं, तीन सॉरी, या तो फैक्टराइजेशन मान लीजिए आप, है ना, या एल हॉस्पिटल मान लीजिए, या इस तरीके से रेशनलाइज करके भी निकाल सकते हैं। क्या रेशनलाइज? तो मैं इस क्वेश्चन को करूंगा आपका एल हॉस्पिटल से। एल हॉस्पिटल से कैसे यूज करना है इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो सिंपल आपको लिखना है लिमिट एक्स टेंड्स टू वन, है ना, आपके पास अंडर रूट लगा है, अंडर रूट लगा लीजिएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपका होता है 2x और कांस्टेंट 1 का डेरिवेटिव होता है 0, तो एज इट इज लिखना है। माइनस एक्स का डेरिवेटिव होगा 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होगा 0, तो 1 माइनस 0 आपका 1 ही रहेगा, अपॉन में नीचे आ जाएगा। अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो अंडर रूट तो रहेगा, है ना, अंडर रूट आप लगोगे, एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव आएगा 0। तो यहाँ पे आ गया लिमिट एक्स टेंड्स टू वन अंडर रूट टू एक्स माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस जीरो, मतलब अंडर रूट वन, अंडर रूट वन का वैल्यू मतलब वन। अब आपको क्या करना है, ये जो बचा हुआ फंक्शन आपका आया है इसमें एक्स की जगह आपको वन पुट करना है, तो अंडर रूट टू इंटू वन क्या आएगा, अंडर रूट टू माइनस वन, सिंपली आपको कितना आ जाएगा रूट टू माइनस वन। यहाँ पे इसका थोड़ा डिफरेंशिएशन आपने गलत कर दिया हम लोगों ने, थोड़ा चेक करते हैं इसको। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वन का अंडर रूट लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे थोड़ा इसको ध्यान देना पड़ेगा कि हमने एक्चुअली यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन थोड़ा गलत कर दिया है बाई मिस्टेक, इसको थोड़ा आपको करेक्ट करना पड़ेगा। मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ और फिर से करता हूँ यहाँ पे ना। तो जब भी इसका अपन डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ पे आएगा देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू वन, इस पे क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर कितना है, अंडर रूट की पावर है, अंडर रूट की पावर कितनी होती है हाफ, माइनस एक्स माइनस वन अपॉन नीचे लिखा हुआ है एक्स माइनस वन, अंडर रूट लगा है, इसका मतलब इसकी पावर क्या है हाफ है ना। अब इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो इसको आप लिख लीजिएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू वन। अब यहाँ पे एक डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला यूज होगा, डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन जो कि होता है आपका एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। तो यहाँ पे मान लीजिए पूरा का पूरा एक्स है और एक्स की पावर एन है, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो वन अपॉन टू बाहर आ जाएगा, और ये x जो आपने पूरा माना है एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसकी पावर आ जाएगा 1 अपॉन टू माइनस वन, क्योंकि n माइनस वन होता है ना, तो 1 अपॉन टू माइनस वन। फिर d अपॉन डी एक्स आप करोगे एक्स स्क्वायर माइनस वन का, जिस फंक्शन को आपने x माना हुआ है ना पूरा, उसका आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। माइनस अब इस x का डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू x जो कि 1 आएगा, और कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू x तो आपका ये 0 आएगा, अपॉन नीचे आएगा देखिए ये आएगा 1 अपॉन टू एक्स माइनस वन की पावर 1 अपॉन टू माइनस वन इंटू, जब आपने पूरा x मान के करा x की पावर n, तो ये फॉर्मूला लग गया यहाँ पे। अब जिसको आपने x माना है वो एक्चुअली x था नहीं, x माइनस वन था, तो उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो x का डेरिवेटिव आएगा 1 और कॉन्स्टेंट 1 का डेरिवेटिव आएगा 0। तो यहाँ पे ये यह आएगा लिमिट x टेंड्स टू 1, है ना, यहाँ पे आएगा 1 अपॉन टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर, ये लिखा है हाफ माइनस वन, हाफ माइनस वन का मतलब माइनस हाफ, और जब एक्स स्क्वायर माइनस वन का डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ से आपका आएगा टू एक्स माइनस कॉन्स्टेंट करोगे तो जीरो, तो सिर्फ टू एक्स आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा माइनस वन अपॉन, ये आ जाएगा वन अपॉन टू एक्स माइनस वन की पावर माइनस हाफ, ठीक है, ये आपका डेरिवेटिव जो है बन जाएगा यहाँ से। ये क्वेश्चन थोड़ा सा काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तो आप
देखेंगे इसको और सॉल्व आउट करेंगे, या डायरेक्टली एक तरीका हो सकता है ऐसे डिफरेंशिएशन आपको नहीं करना है इस तरीके से, आपको जो है ये डिफिकल्ट पड़ जाएगा, आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। हालांकि उससे भी बहुत डिफिकल्ट पड़ेगा क्वेश्चन, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि डिफरेंशिएशन में होता है डी अपॉन डी, मान लीजिए अपॉन ए अपॉन बी है तो होता है डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला चूंकि अंडर रूट में क्वेश्चन है आपका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इस कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए मैं एक और तरीका बताता हूँ जिससे इसको आसानी से जो है आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं उसको। तो जैसा कि अपन ने इस क्वेश्चन में देखा था, डायरेक्ट लिमिट पुट करने में आपको 0/0 का जो है फॉर्म मिल रहा है, इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तो इसको सॉल्व करने का एक बेहद सरल तरीका हो सकता है यहाँ से, जैसे कि आपने लिखा ना लिमिट एक्सटेंड्स टू 1, एज इट इज लिख लीजिएगा इसको लिमिट एक्सटेंड्स टू 1। अब देखिए ये लिखा हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक फॉर्मूला होता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। अब यहाँ पे ए की जगह क्या है 1, ए एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर तो आएगा एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो इसको अपन ले सकते हैं अंडर रूट में एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1, चूँकि एक्स माइनस 1 आपका क्या है, देखिए इसको अगर अंडर रूट फॉर्म में लिखोगे आप, इसको अंडर रूट फॉर्म में अगर आप लिखते हैं तो ये क्या है स्क्वायर लिख सकते हैं इस तरीके से अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1, क्योंकि एक्चुअली अंडर रूट की पावर क्या होती है हाफ होती है, तो 2 लिखा है और होल पावर अंडर रूट की जो कि 1/2 तो इससे कट जाएगा, तो आपके पास कुछ नहीं एक्स माइनस 1 ही बचेगा जो कि यहाँ पे था राइट। तो यहाँ पे इसको लिखने के लिए लिमिट एक्सटेंड्स टू 1, यहाँ पे ये अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 इसको अलग कर लीजिएगा अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1। ये प्रॉपर्टी होता है यहाँ पे मैं बता देता हूँ, अंडर रूट ऑफ एम इंटू एन होता है अंडर रूट ऑफ एम इंटू अंडर रूट ऑफ एन, क्योंकि हमने पहले वाले पार्ट में यूज किया है। माइनस यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 का स्क्वायर है, तो अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन में नीचे है अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1। अब आपको क्या करना है एज इट इज लिख लीजिएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, इन दोनों से अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 और अंडर रूट, क्योंकि यह प्रोडक्ट में है ये है ना, यहाँ भी प्रोडक्ट में है तो आप कॉमन ले सकते हैं, तो अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 दोनों से कॉमन आ जाएगा ऊपर से, इन ब्रैकेट बचेगा अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1, यहाँ से बचेगा माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1, जिससे नीचे और ऊपर ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास जो बचेगा वो ये रहेगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1। अब जैसे आप इसमें x के स्थान पर 1 पुट करेंगे इस पूरे फंक्शन में, तो आपको क्या मिलेगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1। तो देखिए अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा अंडर रूट 2, और यहाँ पे 1 माइनस 1 0, अंडर रूट 0 का वैल्यू कितना रहता है 0, तो अंडर रूट 2 माइनस 0 जो कि आपके पास आएगा अंडर रूट 2। तो ये सबसे बढ़िया तरीका था और बेहद आसान भी है। सबसे पहले मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, ये लिमिटिंग वैल्यू आपकी आ गई अंडर रूट 2, ये फाइनल आंसर है आपका। मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, यहाँ पर लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1 के हमने फैक्टर कर लिए हैं जो कि यहाँ पे एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 होते हैं, फिर ये माइनस लगा है हमने एज इट इज माइनस लगा दिया है यहाँ पर, फिर अंडर रूट ऑफ आपको जो एक्स माइनस 1 थोड़ा दिक्कत कर रहा हो कैसे लिखा आपने ये, तो मैंने यहाँ पे आपको समझाया हुआ भी है कि एक्स माइनस 1 का स्क्वायर होल पावर 1/2, क्योंकि इस पर जो अंडर रूट लगा है ना अंडर रूट हटाओगे तो पावर 1/2 होती है, जिसको कैलकुलेट करोगे तो आपका एक्स माइनस 1 ही आ जाएगा जो कि यहाँ पे ये था है ना, आप देख सकते हैं ठीक। तो आपको इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख दिया है अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 का स्क्वायर करके, इससे क्या हुआ एक फायदा हो गया हमारा कि अलग अलग हो गया और दोनों से कॉमन आके जो है आसानी से ये सॉल्व हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ भी अपन ने जो है फैक्टराइजेशन का यूज करके इसको आसानी से जो है बना लिया है ना, कैलकुलेट करके कॉमन लेके जो है आसानी से इसको कैलकुलेट कर लिया है। तो आई होप आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आगे कुछ और क्वेश्चन की तरह मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है आपको यहाँ पे कि सॉल्व करना है लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है, अगर आप डायरेक्टली देखिए लिमिट पुट करेंगे तो 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 जो कि आपका आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 यानी कि 0/0 का फॉर्म आ जाएगा जो कि इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है, तो डायरेक्ट आप लिमिट जो है नहीं रख सकते इस क्वेश्चन के अंदर, तो आपको फैक्टराइजेशन से करना पड़ेगा या डिफरेंशिएशन से। तो मैं इसको फैक्टराइजेशन से भी कर देता हूँ और डिफरेंशिएशन से, छोटा क्वेश्चन है। तो जैसे ही आप इसको फैक्टराइजेशन से करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 के फैक्टर क्या होंगे आपके एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 जो कि अभी पीछे भी बता चुका हूँ आपको अपॉन एक्स माइनस 1, इससे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि आपके पास बचेगा
लिमिट एक्स टेंड्स टू वन एक्स प्लस वन। जब आप एक्स के स्थान पर वन पुट करेंगे इस फंक्शन में तो आपका आ जाएगा वन प्लस वन जो कि होगा टू। ऐसे आपको इसी क्वेश्चन को मान लीजिए एल हॉस्पिटल से करना पड़े, एल हॉस्पिटल रूल से करना पड़े, तो सिंपली आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का। तो न्यूमरेटर आपका क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसका डिफरेंशिएशन होगा टू एक्स, कॉन्स्टेंट का हो जाएगा जीरो, अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन और कॉन्स्टेंट का हो जाएगा जीरो। तो यहाँ पे आएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू वन, क्योंकि यहाँ पे ये यह आएगा टू एक्स अपॉन वन, है ना। अब इस फंक्शन में जो है आपको x के स्थान पर क्या पुट करना है, 1 पुट करना है, तो 2 इंटू वन अपॉन वन कितना रहेगा, 2 ही आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आपका लिमिटिंग वैल्यू बाई यूजिंग फैक्टराइजेशन 2 आया है, और एल हॉस्पिटल का जो यूज किया है वहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू आपको कितना आया है, 2 आया है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है लिमिट के आपको सॉल्व करना इस तरीके से बेहद आसानी से अपने बताए हुए हैं इसको, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे अपन जो डिस्कस करने वाले हैं कि फाइन लिमिट x टेंड्स टू 4, और यहाँ पे दिया हुआ है 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 16, एक्स स्क्वायर माइनस 16 प्लस 1 अपॉन 4 माइनस एक्स। तो इसके लिमिटिंग वैल्यू डायरेक्ट कैसे निकालते हैं आप देख सकते हैं, अगर आप x के स्थान पर डायरेक्टली 4 पुट करते हैं तो आपका आएगा 8 अपॉन 4 स्क्वायर मतलब 16 माइनस 16 यानी कि 0 प्लस 1 अपॉन 4 माइनस 4 यानी कि 0। तो 1 अपॉन 0 चूंकि आपका क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, तो यहाँ पे 8 अपॉन 0 ये भी अनडिफाइन आ जाएगा, 1 अपॉन 0 ये भी अनडिफाइन आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है ये आपका इंडिटरमिनेट फॉर्म है, डायरेक्टली आप लिमिटिंग वैल्यू को जो है पुट नहीं कर सकते, एक्स टेंड्स टू 4 डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते फंक्शन में, तो आपको उसको जो है फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपका ये लिखा हुआ है लिमिट एक्स टेंड्स टू 4, है ना, एक्स टेंड्स टू 4 8 अपॉन, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 16 को लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4, राइट, एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4 का आ जाएगा एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4, क्योंकि फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए प्लस 1 अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा देखिए 4 माइनस एक्स। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, अगर मैं इसको 4 माइनस एक्स को x माइनस 4 लिखता हूँ तो यहाँ पे जो प्लस का सिंबल चेंज हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, माइनस का, तो इसको करेक्ट कर लीजिए, इसको आपको अगले स्टेप में लिखना है, मैं यहीं पे इसको करेक्ट करके लिख रहा हूँ, है ना, कि अगर आप नीचे से इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन x माइनस 4। अब आपको करना क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 4 ऐसे ही लिखना है, ठीक है, यहां से 1 अपॉन x माइनस 4, यहां से 1 अपॉन x माइनस 4 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा 8 अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस 1, ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 4 1 अपॉन एक्स माइनस 4, और ब्रैकेट में आएगा एलसीएम इसका ले लीजिएगा, तो एलसीएम आएगा एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 4 से एक्स प्लस 4 में डिवाइड देंगे 1 टाइम्स जाएगा, जो कि यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू 8 8 आएगा, 1 का जब डिवाइड एक्स प्लस 4 में देंगे तो एक्स प्लस 4 टाइम्स जाएगा, जो कि यहाँ पे आएगा एक्स प्लस 4। इसको आप जब कैलकुलेट करोगे तो आएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 4 1 अपॉन एक्स माइनस 4, है ना, यहाँ बचेगा आपका 8 माइनस एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 4, और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 4 1 अपॉन एक्स माइनस 4, और यहाँ पे आएगा देखिए 8 माइनस 4 आपका क्या बचेगा 4 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 4, ठीक है, ये आपका आएगा। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेट करने में ध्यान देना है, मैं इसको यही कर रहा हूँ, इतने पार्ट में जो ऊपर बचा हुआ है इसमें सॉल्व कर रहा हूँ इसको, है ना, तो इसके बाद आपका जो है यहाँ से ऊपर कंटिन्यू कर रहा हूँ कि ये लिखा है लिमिट एक्स टेंड्स टू 4, लिमिट एक्स टेंड्स टू 4, देखिए ये लिखा है 1 अपॉन एक्स माइनस 4 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 4 इंटू, जब 4 माइनस एक्स लिखा है इसको अगर मैं x माइनस 4 लिखूं तो माइनस आगे आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा x माइनस 4 अपॉन नीचे लिखा हुआ है x प्लस 4, तो इस x माइनस 4 से ये x माइनस 4 आपका कैंसिल हो जाएगा, माइनस आगे निकाल लीजिएगा तो आएगा लिमिट x टेंड्स टू 4 1 अपॉन x प्लस 4 बचेगा, क्योंकि ये कट चुका है, तो माइनस
लिमिट की जो वैल्यू है आपके x टेंड्स टू 4 जो लिखा हुआ है, इस फंक्शन में आपको पुट करना है x के स्थान पे 4, तो आ जाएगा 1 अपॉन 4 प्लस 4 जो कि आएगा माइनस 1 अपॉन 8। तो इस तरीके से जो है आपको लिमिट को सॉल्व करके डायरेक्टली वैल्यू जो है आप निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो आपको दिया है उसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस 1 अपॉन 8। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइंड द लिमिट ऑफ दिस x टेंड्स टू इनफाइनाइट x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 5। तो देखिए यहाँ पे अगर डायरेक्ट आप लिमिट रखोगे तो इनफाइनाइट प्लस 1 अपॉन 2 इंटू इनफाइनाइट माइनस 5। इनफाइनाइट में कुछ भी जोड़ो इनफाइनाइट ही रहेगा, इनफाइनाइट में 2 को मल्टीप्लाई करो तो भी इनफाइनाइट रहेगा, 5 घटा दोगे तो भी इनफाइनाइट रहेगा। तो ये आपका हो गया इंडिटरमिनेंट फॉर्म। ठीक है, जैसे ही आपका ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म बना तो अब आपके पास तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का, इससे आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। एक तरीका ये भी है इसको सॉल्व करने का कि ऐसे लिख लीजिएगा इसको लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। एक तो आपका एल हॉस्पिटल से भी आप कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल से भी कर सकते हैं, काफ़ी आसानी से आप इसको बना पाएंगे वहाँ से, है ना, वो भी एक तरीका हो सकता है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ऊपर से x कॉमन ले लीजिएगा तो आपके पास बचेगा x, यहाँ से कॉमन लोगे तो यहाँ से 1 बचेगा, चूँकि इसमें x है नहीं तो x से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही अपॉन नीचे से x कॉमन निकालिएगा तो आपको 2 बचेगा, क्योंकि 2x लिखा हुआ है तो 2 बचेगा, माइनस लगा लीजिए, यहाँ पे x है नहीं तो x से आपका डिवाइड हो जाएगा, है ना। यही तरीका होता है डिवाइड देने का, राइट, कॉमन लेने का, सॉरी, x से x ऊपर नीचे से हटा दीजिएगा, ऊपर बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन x, नीचे बचेगा 2 माइनस 5 अपॉन x। जब आप x के स्थान पे इनफाइनाइट डायरेक्टली पुट करेंगे इस पूरे फंक्शन में तो आपको मिलेगा 1 प्लस 1 अपॉन इनफाइनाइट अपॉन 2 माइनस 5 अपॉन इनफाइनाइट। आपको ध्यान रखना है 1 अपॉन इनफाइनाइट का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है ना, ऐसे ही 1 अपॉन 0 जो होता है वो इनफाइनाइट होता है, क्योंकि आप इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर सकते हो। तो 1 अपॉन 0 कितना होगा, इनफाइनाइट, और 1 अपॉन इनफाइनाइट 0, तो यहाँ पे 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या बन जाएगा, 0, यानी कि 1 प्लस 0 अपॉन 2 माइनस, अगर ये 5 को मैं अलग लिख लूँ तो 5 ये भी 1 अपॉन इनफाइनाइट का फॉर्म बन जाएगा, जो कि ये भी 0 0 इंटू 5 ये भी कह देगा 0, तो 1 अपॉन 2 आपका जो है लिमिटिंग वैल्यूज क्वेश्चन का आ जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा लिमिट कैसे सॉल्व करना है इसमें। अगला क्वेश्चन दिया है फाइंड द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x टेंड्स टू 0 cos x माइनस 1 अपॉन x, ये फंक्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले डायरेक्ट लिमिट पुट करके देख लीजिएगा, तो x के स्थान पर जैसे आप 0 पुट करेंगे तो cos 0 आ जाएगा, cos 0 माइनस 1 अपॉन 0, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, 1 माइनस 1 अपॉन 0, ये भी आपका आ गया 0 अपॉन 0, ये भी आपका जो है इंडिटरमिनेंट फॉर्म है। तो उसको आप जो है बहुत सारे तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, यहाँ इसको डिफरेंशिएशन लगा के सॉल्व कर सकते हो आसानी से आप, तो एल हॉस्पिटल आप लगा सकते हो, एल हॉस्पिटल रूल से आप सॉल्व कर सकते हो, जो कि है लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x माइनस 1 अपॉन x। तो जैसे आप एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे तो सिंपल तरीका होता है, यहाँ पे आपको न्यूमरेटर और डिफरेंशिएशन दोनों का जो है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का जो है आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करना है, जो कि आपका आएगा cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है साइन एक्स, माइनस का साइन एक्स, है ना, तो आ जाएगा माइनस साइन एक्स, जो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करो वो जीरो होता है। मैं आपको बता देता हूँ ये फॉर्मूला, डी अपॉन डी एक्स पूरा कांस्टेंट कुछ भी हो उसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है ना, अपॉन एक्स, यहाँ पर फॉर्मूला लगेगी डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एन, जो कि होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो चूंकि आपको पूछ रहा है डी अपॉन डी एक्स एक्स, इसका मतलब पावर उसकी वन है, यहाँ पे आ जाएगा वन एक्स की पावर वन माइनस वन, तो वन का मल्टीप्लाई एक्स में करोगे तो एक्स ही रहेगा, एक्स की पावर वन माइनस वन जीरो, तो एक्स की पावर जीरो का वैल्यू कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा, है ना, तो इसको अपन डायरेक्टली वन लिख सकते हैं। अब आप डायरेक्टली जो है लिमिटिंग वैल्यू पुट कर दीजिएगा, यानी कि एक्स के स्थान पर जीरो पुट कर दीजिएगा, तो माइनस साइन जीरो यही रहेगा क्योंकि ये तो जीरो है, अपॉन वन, वन लिख लो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, साइन जीरो का वैल्यू आपका जो है जीरो होता है ना, तो साइन जीरो का वैल्यू जीरो होता है तो आपका वैल्यू उसका कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन क्या आ गया आपका, जीरो आ गया। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 x sin x अपॉन 1 माइनस cos x। तो यहाँ इस टाइप के क्वेश्चन में आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री यूज होगा, जैसे कि यहाँ पे sin x यानी कि sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x। अगर हाफ एंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ एंगल मतलब जब 2x को हम x से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे x जो है वो x बाई 2 से रिप्लेस हो जाएगा, आ जाएगा 2 sin x बाई 2 cos
एक्स बाई टू लिखा हुआ है ना, तो ये फॉर्मूला है आपका एक्चुअली ऐसे ही कॉस एक्स के, कॉस टू एक्स के तीन चार फॉर्मूले होते हैं, उनमें से होता है एक तो होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एक होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, और एक होता है टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन। तो यहाँ पे आपको तीन फॉर्मूले दिए हुए हैं इसके, एक और होता है टेन के फॉर्म में, बट हमें केवल इन दो फॉर्मूला का रिक्वायर्ड रहता है कॉस एक्स के फॉर्म में, क्योंकि हमें सिर्फ ये वन काटना होता है, डिनोमिनेटर में लिखा ना वन माइनस कॉस एक्स में से वन हटाना होता है, जिसके लिए हम इस कॉस एक्स के फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो वन काटने के लिए हमें देखिए वन प्लस में है तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना होता है, अगर वन माइनस में होता तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना होता है। कैसे यूज करना है इसको देखिए, सॉल्व करके बताता हूँ आपको इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन लिखा है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो x sin x, तो आपको क्या करना है x एज इट इज रखना है, sin x का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पे क्या होता है, 2 sin x अपॉन 2 cos x अपॉन 2, अपॉन में लिखा है 1 माइनस cos x का वैल्यू होता है 2 cos square x by 2, ये आ जाएगा 2 cos square x by 2, 2 cos square x by 2, सॉरी आपको ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना पड़ेगा 1 माइनस 2 sin square, क्योंकि माइनस लगा हुआ है ना आपका ये, तो थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लीजिएगा, आपको 1 हटाना है और 1 कब हट पाएगा, क्योंकि अगर ये वाला नीचे वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे तो आपका क्या होगा कि ब्रैकेट लगा हुआ ना ये चीज 1 माइनस कॉस एक्स, तो 1 माइनस ब्रैकेट लगाओगे तो आएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, अगर माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस का हो जाएगा, इस वजह से जो है अपन इस फॉर्मूले का यूज नहीं कर सकते, अपन को ये है ये वाला फॉर्मूला यूज करना है जो कि होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, ये आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। ये हो सकता है आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा हो कि बेसिक ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे यूज़ हो रही है, तो अगर ट्रिग्नोमेट्री में आपका थोड़ा सा दिक्कत है तो हो सकता है थोड़ा ये प्रॉब्लम आपको कर सकते हैं। तो यहाँ से आएगा एक्स इंटू टू साइन एक्स अपॉन टू कॉस एक्स अपॉन टू, मतलब ऊपर न्यूमरेटर एज इट इज लिखा हुआ है, हमने कोई चेंज नहीं किया, नीचे आ जाएगा वन, अब माइनस का मल्टीप्लाई अंदर करना है माइनस वन प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टू, वन से वन कैंसिल हो जाएगा, इसको ऐसे ही लिखना है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, इसमें कोई चेंज नहीं करना है ना। अब यहाँ ध्यान देना है, देखिए जैसे आप माइनस वन से प्लस वन कैंसिल करोगे, अब नीचे आपके पास क्या बचा है टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और ऊपर सारा प्रोडक्ट में है तो टू से टू कट जाएगा है ना, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू है तो एक साइन एक्स बाई टू कट जाएगा, तो ऊपर आपका बचेगा एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन टू और नीचे बचेगा आपका साइन एक्स अपॉन टू। अब जब डायरेक्ट लिमिट रखोगे इसका, अब यहाँ पे भी अगर आप डायरेक्ट लिमिट रखोगे तो देखिए क्या आएगा, डायरेक्ट मैं आपको यहाँ पे बताया था लिमिट रखने के बाद, एक्स का रखोगे जीरो इंटू कॉस जीरो वन यानी कि जीरो हो गया है ना, अपॉन साइन जीरो होता है, साइन जीरो का वैल्यू होता है जीरो, तो वन साइन जीरो का वैल्यू होता है जीरो है ना, तो वन अपॉन जीरो कैसा होता है, वन अपॉन जीरो होता है अनडिफाइंड, तो आपको ध्यान रखना है ये इंडिटरमिनेट फॉर्म बनेगा, तो आपको सॉल्व करने के लिए थोड़ा तरीका यहाँ से चेंज करना पड़ेगा। आपको इसको सॉल्व करने में कैसे लिखना है, यहाँ पे यही लिखना है, मैं आपको थोड़ा सा इसको राइट साइड से इसको हटाना पड़ेगा जैसे जगह बन जाएगी, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ मैं आगे, देखिए आगे इसको कंटिन्यू जब करेंगे तो आएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। अब यहाँ पे क्या करना है, कॉस एक्स अपॉन टू एज इट इज लिख लीजिएगा है ना, अब ये साइन एक्स अपॉन टू है, इसमें मैं क्या करूँगा, इसको लिखूंगा साइन एक्स अपॉन टू, पहले ऐसे कर लीजिएगा इसको, कॉस एक्स अपॉन टू कर लिए तो इंटू वन अपॉन, ये कर रहा हूँ मैं साइन एक्स अपॉन टू है ना, अपॉन जो एक्स लिखा है ना एक्स, इसमें टू से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और टू से डिवाइड कर दीजिएगा है ना, टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड, जब आप टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड करोगे तो आपका एक टू होगा जो एक्स अपॉन टू के फॉर्म में चला जाएगा, ये अपॉन टू है ना, ऊपर एक्स आ रहा है आपका इस तरीके से, तो एक्स अपॉन टू तो यहाँ पहुँच जाएगा और ये बचेगा आपका साइन एक्स अपॉन टू अपॉन दिस, तो यहाँ से आ जाएगा देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ये आपका आ जाएगा कॉस एक्स अपॉन टू, ये आ जाएगा इंटू इंटू यहाँ पे आ जाएगा ये वन अपॉन साइन एक्स अपॉन टू अपॉन एक्स अपॉन टू इंटू टू। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जब आप लिमिटिंग वैल्यू अलग अलग अप्लाई करोगे कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो जब आप अप्लाई करोगे इसमें, तो यहाँ थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो कॉस
एक्स अपॉन टू इन टू, यहाँ देखिए इसमें अगर लगाओगे तो यहाँ लिमिट अलग अलग हो जाएगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्रॉपर्टीज को याद करिएगा, लिमिट एफ एक्स अपॉन जी एक्स, तो ये पूरा आपका जी एक्स है और ऊपर वाला पार्ट वन जो है एफ एक्स है, तो इसमें लिमिटिंग वैल्यू कैसे लगेगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो वन अपॉन लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स अपॉन टू अपॉन एक्स अपॉन टू इन टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो टू, है ना। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, मैं थोड़ा सा यही बता रहा हूँ, उसको थोड़ा बचा हुआ है, तो ये आपका देखिए, ये आप जब लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो यहाँ पर रखेंगे तो कॉस जीरो का वैल्यू होता है वन, कॉस जीरो कितना होता है ट्रिग्नोमेट्री टेबल को चेक करके वन, तो ये आ जाएगा वन इन टू, यहाँ पर ये कॉन्स्टेंट वैल्यू तो लिमिट का कोई मतलब ही नहीं है, वन रह जाएगा सिंपली, है ना। अपॉन नीचे देखिए ये फॉर्मूला होता है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स, इसका वैल्यू होता है वन, है ना, ये लिमिट का फॉर्मूला होता है। इन टू यहाँ पर भी एक कॉन्स्टेंट वैल्यू टू है तो लिमिट का कोई यूज़ नहीं, यहाँ पर डायरेक्टली आप टू रख सकते हो, तो वन अपॉन वन वन ही रहेगा, तो वन इंटू टू कितना रहेगा, डायरेक्टली आपका आ जाएगा टू। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा आपका ट्रिग्नोमेट्री इसमें यूज़ हुआ है तो वो ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा बेसिक आपको पता होना चाहिए, अगर उसमें थोड़ा दिक्कत है तो ये क्वेश्चन हो सकता है आपको डिफिकल्ट लगे मे बी, है ना। चलिए आगे कुछ क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, तो इस वीडियो में सिर्फ अपन इतना ही रखेंगे, आगे और क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस करना है वो अगली वीडियो में करेंगे, तो आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।